नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है सिर्फ सब्जी ही तो काटते हैं सासू माँ। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुलक्षणा शाम को टहलने के बहाने छत पर पहुंची और अपनी गिद्ध जैसी तेज नजरों को अगल बगल के घरों में मारते हुए ताक झांक करने लगी। सुलक्षणा का स्वभाव अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। बचपन में तो माता पिता ने बड़े ही प्यार से उसका नाम सुलक्षणा रख दिया, लेकिन उसमें कोई भी अच्छे लक्षण नहीं थे। वह बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति के ऑफिस जाने के बाद जब तक वह इधर की बातें उधर ना कर लेती, इस पड़ोसी की चुगली उस पड़ोसी से ना कर लेती, तब तक उसका खाना ही नहीं पचता था। उसके इन्हीं आदतों के कारण उसका नाम खबरी भाभी पड़ गया था। वैसे उसके लंबे नाम को बुलाना किसी को भी पसंद नहीं आता था, इसलिए सभी उसे सुलु भाभी कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे सभी सुलु भाभी के लक्षणों से परिचित हो चुके थे, इसलिए सभी उससे कन्नी काटने लगे थे और उससे सभी बचकर रहते थे। कोई भी जल्दी उसकी बातों में आता नहीं था, लेकिन भाभी तो ठहरी खबरी भाभी, वह तो अपनी आदत छोड़ती नहीं थी। आज शाम को छत पर टहलते हुए उसने देखा कि उसकी पड़ोसन स्मिता के घर एक बुजुर्ग दंपत्ति आंगन में खाट पर बैठे हुए थे। पहले तो केवल स्मिता और उसके पति राजीव ही दिखाई देते थे। खबरी भाभी ने खोजबीन की तो पता चला कि स्मिता के सास ससुर हमेशा के लिए उसके यहाँ रहने के लिए आए हुए थे। खबरी भाभी के दिल में खलबली मचने लगी। वो पड़ोस के घर में आए हुए बुजुर्गों के ऊपर अपनी पैनी नजर रखने लगी और उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी और धीरे धीरे उनके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने लगी। और एक दिन जब वह पूरी तरह से तैयार हो गई तो पहुंच गई स्मिता के घर। उसके घर पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। उस वक्त स्मिता रसोई में खाना बना रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। उसने जल्दी से साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपने हाथ साफ कपड़े से पोछे और दरवाजा खोलने के लिए भागी चली आई। सुलु भाभी को देखते ही वह थोड़ी असमंजस में पड़ गई, फिर भी उसने दरवाजे पर खड़ी अपनी पड़ोसन को आदर के साथ भीतर बुलाया। खबरी भाभी ने इधर उधर झांकते हुए कहा, अरे स्मिता, सुना है तुम्हारे सास ससुर आए हुए हैं, तो हम भी चले आए भाई उनका आशीर्वाद लेने के लिए। कहाँ है वो? स्मिता ने सहज भाव से कहा। वो दोनों घर में बैठे बैठे ऊब रहे थे तो जरा चौराहे के मंदिर तक चले गए हैं। खबरी भाभी ने गर्दन हिलाकर अपनी आंखें नचाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। और बताओ तुम क्या कर रही थी? स्मिता बोली, मैं तो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सुलु भाभी बोल पड़ी, तो चलो बनाओ खाना, मैं वहीं पर तुमसे बातें कर लूंगी। स्मिता क्या करती, लिहाजवश वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो भाभी को रसोई में लेकर आ गई। सुलु भाभी बोली, वैसे तुम तो सुबह ही खाना बना लेती थी ना, अभी दोपहर में क्यों बना रही हो? स्मिता बोल पड़ी, वो राजीव टिफिन ले जाते थे तो मैं भी अपना लंच बना लेती थी। अभी अम्मा बाबूजी को दोपहर में गर्म खाना बनाकर खिलाती हूँ ना, इसलिए अभी खाना बना रही हूँ। सुलु भाभी की आंखें चमक उठी, वो झट से बोल पड़ी, हाँ भाई, सास ससुर के साथ रहने में झमेले भी बहुत है। मुझे देखो, मैं तो अकेली रहती हूँ, एकदम आजाद पंछी की तरह जीती हूँ, मैंने तो इन सब का झमेला रखा ही नहीं है। स्मिता को उसका यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप खाना बनाने लगी। लेकिन सुलु भाभी कैसे चुप रहती, वह बोलने लगी, सुना है तुम्हारे सास ससुर हमेशा यही रहने वाले हैं? स्मिता बोली, जी, अब वह हमारे साथ ही रहेंगे। सुलु भाभी फुसफुसाते हुए बोली, तुमने बेकार में मुसीबत मोल ले ली, पड़े रहने देती वही गाँव में, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बड़े बूढ़ों की हजार परेशानियां होती है, कभी तबीयत खराब, कभी किचकिच करते हैं, कभी फरमाइश करते हैं, अरे जीना मुहाल कर देंगे तुम्हारा, देखना। अब स्मिता से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जरा ऊंचे स्वर में कहा, यह कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ आए हैं तो कितना सहारा। सुलो भाभी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, अरे काहे का सहारा, सब देखती रहती हूँ मैं, तुम्हारी सास करती ही क्या है, बस थोड़ी सब्जियां बैठकर काट देती है,
और तुम्हारे ससुर जी क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा सुबह जाकर बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, बस उनके यहाँ रहने में जितना खर्च है उससे आधे खर्च में तो तुम एक अच्छी काम वाली बाई रख लेती, जो सिर्फ सब्जियां ही नहीं काट देती बल्कि घर का बहुत सारा काम कर दिया करती। ऊपर से ना तुम पर वह कोई रोक टोक करती, ना उसकी बीमारी में तुम्हें देखभाल करनी पड़ती। मतलब कोई झंझट ही नहीं था। तुम तो बेवकूफ हो जो अपने सास ससुर को तुमने अपने पास बुला लिया। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, कुछ बहाना बनाकर अपने सास ससुर को गांव वापस भेज दो और शांति से रहो। स्मिता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह चीखते हुए बोली, बस करिए भाभी, कब से मैं आपकी बकवास सुने जा रही हूँ। अब समझ में आया कि पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा क्यों होती है। मैंने लिहाज बस आपको भीतर बुलाया, आपसे बातें की, लेकिन आप तो मेरे परिवार के मामले में दखल देती ही जा रही हैं। आपको क्या पता है मेरे सास ससुर के बारे में जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? सहारा मतलब अब बुजुर्गों के प्यार और आशीर्वाद के सानिध्य में जीवन गुजारेंगे हम। मैंने उन लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बुलाया कि मेरी सास सिर्फ सब्जियां काट देती है तो मुझे अफसोस होगा। वह तो इतनी अच्छी है कि इस उम्र में भी मेरी मदद करने को तत्पर रहती है। मैं ही नहीं चाहती कि मेरे रहते हुए उन्हें कोई काम करना पड़े। ये तो उन्हें ही खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोटे मोटे काम करती रहती हैं। और आप हमारे माता पिता की तुलना एक नौकरानी से कर रही हो। मैंने उन्हें घर का काम करने के लिए थोड़ी बुलाया है, और आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे पति उनके बेटे हैं। यही वो बेटा है जिसकी परवरिश में मेरे सास ससुर ने अपना पूरा जीवन, अपनी कमाई, सब कुछ लगा दिया। और अब हमारी बारी आई है, तो क्या इसलिए हम उन्हें खुद से दूर रखें कि उनकी वजह से खर्च बढ़ रहा है? जब बचपन में बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माता पिता किसी भी हद तक जाकर उनका इलाज करवाते हैं, तो बुढ़ापे में माता पिता के बीमार पड़ने पर बच्चे उनकी देखभाल और इलाज क्यों नहीं करवा सकते? आपकी सोच आपको ही मुबारक हो भाभी। कल को जब आपके बच्चे होंगे और आपके बुढ़ापे में वह भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी सोच कितनी गलत है। स्मिता की दो टुक बातें सुनकर सुलू भाभी निशब्द हो गई और शर्मिंदगी से सिर झुकाए हुए जैसे ही वापस मुड़ी तो पीछे स्मिता के सास ससुर खड़े थे। उन्हें देखते ही शर्मिंदगी के मारे वह भागते हुए इनके घर से बाहर चली गई। स्मिता के सास ससुर ने भी सारी बातें सुन ली थी। स्मिता की सास स्मिता के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे अपनी बहू की सोच पर गर्व है। स्मिता के ससुर भी बोल पड़े, हाँ बहू, ऐसी बहू तो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। स्मिता ने उन दोनों के पैर छूते हुए कहा, और हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे माता पिता की देखभाल और सेवा करने का मौका मिला है। स्मिता के सास ससुर की बूढ़ी आंखें बहू के आदर और प्रेम भाव के कारण सजल हो उठी थी। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बुजुर्ग सास ससुर आखिर घर में क्या योगदान देते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने जीवन भर अपना योगदान दे दिया है। अब उनके थोड़े आराम करने के दिन होते हैं, ऐसे में उन्हें बेकार समझकर उन्हें खुद से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन भर के उनके किए हुए अथक प्रयासों का मोल उनकी देखभाल और सेवा करके चुकानी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।